रणथंभौर और सरिस्का में बाघों के स्वच्छंद अठखेलिया करते दिखाने के लिए वन विभाग मोटा शुल्क वसूलता है। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रत्येक बाघ एक साल में 60 लाख से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन क्या एक बाघ के संरक्षण पर इतना पैसा खर्च हो रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए गए प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार ये तथ्य सामने रखे हैं। वर्ष 2019-20 में वन विभाग ने रणथंभौर में 29,95,49,284 रुपए कमाए। वही सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1,54,57,775 रुपए कमाए गए। फिर भी टाइगर रिजर्व के अधिकारी बाघों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन बाघों के साथ अन्य वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और इतना धन कमाने के बाद भी विभाग रणथंभौर के आसपास बसे गाँव के विस्थापन की योजना को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है। वन विभाग की ओर से गांव के ग्रामीणों के लिए रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था नहीं की जा रही है और ऐसे में ग्रामीण टाइगर रिजर्व को सहयोग करने के बजाय शिकारियों को सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि वन विभाग बाघों द्वारा कमाए जा रही राशि से ही नए टाइगर रिजर्व घोषित कर उनमें आधारभूत ढांचा विकसित करे।